नमस्कार दोस्तों, मैं उषा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब बड़े होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, IEEE आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, चॉइस फिलिंग भी अपनी स्टार्ट हो चुकी है। और ऐसे में अपन सबको पता है, फर्स्ट राउंड में जो सीट मैट्रिक डिक्लेयर की गई थी उसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐड नहीं है, और इसके रिगार्डिंग IEEE ने एक नोटिस भी जारी किया जहाँ पर लिखा गया है कि ये जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और ये जो सीट मैट्रिक डिक्लेयर की है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा फर्स्ट राउंड में, तो क्योंकि इनमें वही कॉलेजेस इंक्लूड किए गए हैं जिनको 5 नवंबर तक जो है NCERT में परमिशन दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट, आप में से अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट भी निराश हैं, साथ ही जो लो मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी निराशा है। अच्छे मार्क्स वाले ये सोच रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था, वो तो उस सीट मैट्रिक्स में है ही नहीं, है ना। मतलब काफ़ी सारे आपने देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे पुराने और अच्छे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस लिस्ट में नहीं है, जिसके कारण जो स्टूडेंट सोच रहा था कि मुझे कॉलेज मेरे स्कोर के अकॉर्डिंग अच्छा है, मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो उसमें है नहीं सीट मैट्रिक्स में, तो उनको कैसे मिलेगा फर्स्ट राउंड में। साथ ही लो मार्क्स वाले स्टूडेंट इसलिए परेशान है कि सीटें ही कम है, है ना, फर्स्ट राउंड में सीटें कम है, तो उनके उन कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो उनको सीट मिलने के चांस बहुत कम है, है ना। तो दोनों तरह के स्टूडेंट परेशान हैं, तो इस परेशानी का हल आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। और परेशान मत होइए, मैं आप सभी के लिए जो है इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है और क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो फर्स्ट राउंड, देखो अभी फर्स्ट राउंड में जो सीट मैट्रिक डिक्लेयर हुई है उसमें भले चेंज नहीं हो, लेकिन पूरे पूरे चांस हैं कि सेकंड राउंड या इसके आने वाले राउंड्स में ये जो कॉलेजेस हैं जिनको अभी इंक्लूड नहीं किया सीट मैट्रिक्स में, उनको ऐड करें। ठीक है, IEEE और वो करेंगे क्योंकि ये पुराने कॉलेजेस हैं, इनको NCERT में परमिशन देगा ही देगा। ठीक है, तो अभी जो है आपको टेंशन लेना, दो फर्स्ट राउंड जो होता है आप सभी को पता है फ्री एग्जिट वाला राउंड है। मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, फ्री एग्जिट का मतलब है कि अगर आपको कोई सीट मिलती है, है ना, अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपके पास, अगर आपको सीट नहीं लेनी तो आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फ्री एग्जिट माना जाता है, और आपको सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है विदाउट लूजिंग योर, विदाउट फॉरफीचर ऑफ योर सिक्योरिटी मनी, यानी बिना सिक्योरिटी मनी गवाएं आप लोग सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन वापस करने की जरूरत नहीं है। फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, है ना, फर्स्ट राउंड में आपके अच्छे मार्क्स नीट स्कोर अच्छा है, आपको कोई भी कॉलेज मिलने की संभावना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपको अगर कॉलेज नहीं लेना तो आप सेकेंड फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लेकर के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हो सकता है पूरे पूरे चांसेस हैं कि उसमें कॉलेजेस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये सलाह दूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें, इसमें कोई भी आपको हानि नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए सीट मिल भी जाती है तो भी आपके पास फ्री एग्जिट है, नहीं मिलती तो भी आइडिया लग जाएगा कहाँ तक सीट मिली है। और साथ ही इसका तीसरा फायदा ये है कि अपग्रेडेशन के टाइम पे आपको आइडिया लग जाएगा, मान लीजिए आपको कोई सीट मिल गई, आपको पता लग जाएगा कि ऊपर वाली जो कॉलेज है वो किस मार्क्स में मिला है, तो आप सेकेंड राउंड में उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फायदे होते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप चाहें तो सारे कॉलेजेस फिल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, सारे गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, सारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डीम्ड में भी आप देख लीजिए बजट वगैरह उनका, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप मालूम है कि दो ही डीम यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आयुर्वेद की, तो है ना, तो उनको अपना चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं लेना तो आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, साथ ही स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपको, देखो मैं जो स्ट्रेटेजी अभी बताऊंगा ना वो आपको पूरे काउंसलिंग में फॉलो करनी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, साथ ही आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भी मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहता हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहती है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी की अपन बात कर लेते हैं, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। देखो आप में से हो सकता है कई सारे स्टूडेंट ने अब तक चॉइस फिलिंग कर दी होगी, और अगर कर दिए तो भी मैं बोलूँगा इस वीडियो को देख लिया है तो एक बार उसके अकॉर्डिंग चॉइस को आप रीऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपने कंप्लीट सारे कॉलेज नहीं भी भरे हैं तो भी अब आप भर सकते हैं, लास्ट डेट आपको पता ही है चॉइस फिलिंग की कल है। ठीक है, तो कल से पहले आप अभी जो है मॉडिफाई कर लीजिए चॉइस फिलिंग को अपने अकॉर्डिंग, और सारे कॉलेज आप भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ सबको भरने चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो और लॉकिंग अगर नहीं भी होती ना तो भी आपका चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है सिस्टम के द्वारा, ऐसा IEEE के FAQ में आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, हाँ, तो अब स्ट्रेटेजी क्या है, कैसा आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्या आपको सोचना चाहिए, क्या आपको ऑर्डर रखना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट रखने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट। इससे भी पहले आपको मैं बोलूँगा, पहले आप अपने प्रेफरेंस का कोर्स चूज़ कर लीजिए, यानी कि मान लीजिए आपको BMS में एडमिशन लेना है तो BMS को ही प्रेफरेंस देंगे आप सबसे पहले, BMS, उसके बाद आपका कोर्स ऑफ प्रेफरेंस है BHMS, उसके अगर आप नीचे चाहते हैं BUMS देन BSMS, आपके अकॉर्डिंग आपको मान लीजिए BUMS ऊपर रखना है तो BUMS को ऊपर रखिए। ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले तो माइंडसेट में ये रखिए कि आपको कोर्स कौन, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन सी कोर्स आपकी प्रायोरिटी है। मान लीजिए आयुर्वेद अगर आपकी प्रायोरिटी है तो उसके बाद
पहले सारे आयुर्वेद के कॉलेज भरी है, जैसा कि मैं अभी आपको स्टडीज बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद के, देन उसी स्टडी के अकॉर्डिंग आपका जो नीचे वाला प्रायोरिटी वाला कोर्स है उसको भरिए। नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आयुर्वेद लेना है तो आयुर्वेद को ही भरिए, BHMS BUMS BSMS नहीं भरना तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से सभी कोर्स के रिगार्डिंग आप सोच सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इसमें भी यूनानी के लिए आपको पता ही है, यूनानी के लिए उर्दू जरूरी है ना, 10th क्लास में 11th 12th क्लास में उर्दू से पास किया होना चाहिए। साथ ही BSMS कोर्स के लिए तमिल लैंग्वेज होनी जरूरी है, ऐसा WCCC के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अपन स्टडीज पे आ जाते हैं। तो वही सबसे पहले आपको जो भी कोर्स आपने सोचा है कि मेरी प्रायोरिटी कॉलेज प्रायोरिटी ऑफ कोर्स जो है आयुर्वेद है, BMS है मान लीजिए, है ना, फॉर एग्जांपल। तो अब जो है उसके सेंट्रल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर रखिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में, तो ऑर्डर में सबसे ऊपर सेंट्रल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट को रखिए। साथ ही नेक्स्ट अपन आते हैं जो भी टॉप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज होते हैं, ठीक, टॉप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रेफरेंस ऑर्डर। हालांकि वो जो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस दे रखे हैं जो इस बार फर्स्ट राउंड में आपको सीट मैट्रिक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन आने वाले राउंड्स में हो सकता है ऐड हो जाए तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन एक बार देख लीजिएगा उस लिस्ट को, है ना। तो जो टॉप गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज होते हैं उसको सेकंड नंबर पर रखिएगा, है ना। उसमें जो टॉप मोस्ट ऑल ओवर इंडिया के होते हैं वो रख सकते हैं, साथ ही उसमें अपने स्टेट को भी प्रेफर कर सकते हैं, स्टेट के जो टॉप मोस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज होते हैं उनको भी रख सकते हैं। ठीक है, तो टॉप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के बाद अब आ जाइए जो नियर बाय स्टेट के जो टॉप आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस पर, है ना। यानी कि मान लीजिए मैं राजस्थान से, तो मैं देखूंगा कि उत्तर प्रदेश का टॉप आयुर्वेदिक कॉलेज कौन कौन से, 2-3 वो लिस्ट देख ली मैंने, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश का देख लिया मैंने, ठीक है। तो अपने नियर बाय स्टेट के आप मतलब डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हुए उनके जो टॉप मोस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज है उनको दे सकते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है जितने भी आप अपने स्टेट के जो कॉलेज हैं वो फिल कर दीजिए आयुर्वेदिक कॉलेज, और साथ ही अदर स्टेट के कॉलेज फिल करिए इस ऑर्डर में कि आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, कि मेरे स्टेट से कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस को देखिए। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट एडेड आयुर्वेदिक कॉलेज भरिए, गवर्नमेंट एडेड भी अच्छे कॉलेज होते हैं, पुराने कॉलेज होते हैं, उनकी फीस भी कम होती है, प्राइवेट जितनी हाई नहीं होती, बहुत कम होती है फीस भी, ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं होती है, ठीक है। तो उनको भी आप प्राइवेट में दे सकते हैं। गवर्नमेंट एडेड के बाद में फिर आपको मैं सलाह दूंगा, आप जो है उसमें भी डिस्टेंस वगैरह को देखिए, ना, अपने ज़्यादातर गवर्नमेंट एडेड आपको महाराष्ट्र वगैरह में मिलेंगे, ठीक है। तो अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, है ना। इसके भी गवर्नमेंट एडेड की भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद बॉन्ड कंडीशन और क्या फीस वगैरह है। थोड़ा बहुत ये जो डेटा है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर का मॉडिफाइड डेटा है, ठीक है। तो इस बार हो सकता है जो कंडीशंस है थोड़ा बहुत फीस में भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फीस में नहीं बढ़ती है, मतलब 10% मैक्सिमम जो है इंक्रीमेंट हो जाता है हर साल, कई सारे कॉलेज करते हैं कई सारे नहीं भी करते। फिर उसके बाद अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी पर जाना है तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को बजट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि बजट क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आप अगर पूरी काउंसलिंग के टाइम पे अप्लाई करेंगे तो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेहतर कॉलेज आपको मिल पाएगा, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिएगा हर राउंड में। अब आपको बताता हूँ, देखो जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ वो एक तो है सबसे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट सभी कोर्सेज की, BMS BHMS BUMS सभी कोर्सेज की सेंट्रल इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट के जो डेटा है अकॉर्डिंग, मतलब कि उनकी फीस का स्ट्रक्चर प्लस हॉस्टल फैसिलिटी प्लस बॉन्ड कंडीशन है या नहीं और है तो कितना है उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही डीम यूनिवर्सिटीज़ के सारे कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर विद हॉस्टल इंक्लूड है कि नहीं है और साथ ही बॉन्ड कंडीशन क्या है, डीम यूनिवर्सिटीज़ का भी डेटा है। साथ ही टॉप 30 BMS कॉलेजेस की मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं फॉर ऑल कोर्सेज उसकी भी लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इन सब में मैंने इंक्लूड कर रखा है उनकी फीस स्ट्रक्चर प्लस हॉस्टल फैसिलिटी प्लस बॉन्ड कंडीशन सब कुछ आपको मैं इंक्लूड, ये जो लिस्ट है गाइस वो हालांकि लास्ट ईयर का डेटा है क्योंकि इस बार मुझे समय नहीं मिल पाया बनाने के, लेकिन आप इससे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट है गाइस वो मैं अपने नीट मास्टर जेई ऐप जो मोबाइल एप्लीकेशन है नीट मास्टर जेई ऐप, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाके जो फ्री मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपके अवेलेबल है, ठीक है। PDF के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो फ्री ये जो PDF है आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, नीट मास्टर जी एप्लीकेशन पर। साथ ही मैं इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है bing@bingdoctor.official, ठीक है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी हद तक मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको आने वाले राउंड्स में हो सकता है इनमें से काफ़ी सारे कॉलेज आपको देखेंगे आपकी इस जो लिस्ट आपने प्रोवाइड की है सर उसमें कॉलेजेस तो है ही नहीं फर्स्ट राउंड में, लेकिन आने वाले राउंड्स में हो सकता है ऐड हो जाए, ठीक है। तो जितने कॉलेज उस लिस्ट में आपको दिख रहे हैं उसका तो आइडिया लग ही जाएगा ना आपको, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी सारे डीम यूनिवर्सिटीज़ में आप जो देखेंगे उसमें फीस का डिफरेंस मिले, उसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो WCCC की वेबसाइट पर जो
पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाला जो लिंक आपको टैब मिल रहा है ना, उस पर जाकर के आप उसकी फीस वगैरह चेक कर सकते हैं डीम यूनिवर्सिटी की। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 10% इंक्रीमेंट कर देते हैं कई सारे डीम यूनिवर्सिटीज़ हर साल, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत फीस में डिफरेंस आपको देखने वाला, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 50-60 हज़ार का डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी जो है हमारे जितने भी कम्युनिटी टैब पर जो पोस्ट आएंगे उस पर मैं आपको स्टेट वाइज भी अपडेट्स करता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम्युनिटी पोस्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि उन पर मैं अपडेट्स देता रहूँगा। साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट्स देता रहूँगा स्टेट वाइज भी, प्लस ऑल इंडिया कोटा के भी, सभी काउंसलिंग के अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर भी आ जाएंगे @BeingDoctorOfficial पर, और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी ये लिस्ट जो है नीट मास्टर जेईई एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड नहीं तो आप वहाँ से उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट करो। आयुष काउंसलिंग रिलेटेड सभी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इसी तरह की अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।